इस समय हमारे साथ मौजूद हैं करनाल जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से सरदार अमरजीत सिंह जी। से सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं आपका यहाँ गांव बड़थल में पहुँचने पर बी पॉजिटिव न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो कि आज हम गांव बड़थल में डोर टू डोर करने लग रहे हैं और आप यहाँ पर कवरिंग करने के लिए आए, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जी। तो अमरजीत जी, फैसले की घड़ी है, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वोटर से, क्या अपील करना चाहेंगे? वोटरों से अपील करना चाहूंगा कि कल परसों आने वाली 9 तारीख को उगते सूरज का सामने वाला बटन दबाएं और अपने छोटे है बच्चे को विजय प्राप्त कराएं। जी, तो अमरजीत जी, आपने जो चुनाव है बहुत बारीकी से आपने लड़ा है, क्योंकि ज्यादा दिखावा नहीं किया, जनता तक पहुंचे आप, घर 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 जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो हर इंसान का, हर कैंडिडेट का अपना अपना चुनाव लड़ने का तरीका होता है जी। कोई हवाएं में उड़ता है, कोई कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार का जो चुनाव चिन्ह है हर जनता तक पहुँचाना चाहता है और उससे अपील करता है हाथ जोड़ के, तो अपना अपना हर कैंडिडेट का अपना अपना इलेक्शन लड़ने का हुआ है जी। तो क्या क्या संभावनाएं, क्या लगती हैं आपको? संभावना तो 100% हमारी जीत है जी। हाँ जी, 36 बरादरी का आज गांव बड़थल में आया मैं, 36 बरादरी का भाईचारा मेरे साथ है जी, तो 36 बरादरी का मेरे को हर गांव में समर्थन मिलता है जी। मतलब कहना चाहेंगे आपको 36 बिरादरी का नेता भी माना जा रहा है, विपक्ष भी कह रहा है कि आप बड़ी मजबूत दावेदार हैं, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं जी, अगर देखो 36 बरादरी मेरे साथ है तभी सभी लोग कह रहे हैं कि 36 बरादरी इस कैंडिडेट के साथ है, और मेरे को भी इस बात का गर्व है कि मेरे साथ 36 बरादरी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है जी। तो सरदार इंद्रजीत सिंह जी भी आपका समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? देखो, मेरे को कोई राजनीतिक तो मैं वो आदमी नहीं हूँ, मेरे को 36 बरादरी, चाहे कोई भी राजनीतिक आदमी है, उसमें 36 बरादरी में सभी राजनेता आ जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से है। मेरे को सभी पार्टियों का जो सामाजिक लोग हैं, मेरे सभी सामाजिक लोगों ने मेरे को समर्थन किया है। तो जनता का इतना प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? ठीक है जी, मैं आशीर्वाद जो जनता मेरे को दे रही है, मैं उनको, उनके चरणों को नमस्कार करता हूँ जी, उनको बहुत बहुत तहे दिल से उनका स्वागत, धन्यवाद भी करता हूँ। तो अमरजीत जी, आपने कीमती समय निकाला, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।